दोस्तों हाल ही में अमेरिका ने एक चाइनीज स्पाई बलून को F-22 राप्टर से मार गिराया था, लेकिन फिर एक बार चाइनीज स्पाई बलून लैटिन अमेरिका में देखने को मिला है। यहाँ पर सवाल उठता है क्यों चाइना बार बार स्पाई बलून को अमेरिका की तरफ भेजता रहता है। वहीं अमेरिका का कहना है चाइना वेदर बलून का बहाना कर USA के एयर स्पेस नियमों को तोड़ने के साथ साथ यह बलून अमेरिका के सभी एयर डिफेंस सिस्टम का जायजा ले रहे हैं। ये चीज तो अमेरिका को भली भांति पता है कि कोल्ड वॉर के दौरान उसने भी खुद रशिया के एयर स्पेस में ऐसे स्पाई बलून और U-2 जैसे स्पाई एयरक्राफ्ट भेजा करता था ताकि रशिया के सभी न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नजर रखा जा सके। उस समय खुद अमेरिका इन बलून्स को वेदर बलून कहता था, लेकिन अब चोर के घर में चाइना चोरी कर रहा है। अगर आप चाइना के इन स्पाई बलून्स को वेदर बलून मान भी लो तो आप पिछले दिनों देखे ही होंगे किस तरह से चाइना सी ऑफ जापान से लेकर भारतीय महासागर तक अपने स्पाई शिप फाइटर जेट और बॉम्बर्स को भेजता रहता है। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो जिस तरह पुतिन महाराजा यूक्रेन को इन्वेट कर पूरे यूरोप में हाहाकार मचा रहे हैं, ठीक उसी तरह चाइना ताइवान को इन्वेट कर एशिया में तबाही ला देगा।